राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। जॉर्ज सोरोस पर उपराष्ट्रपति धनखड़ के रुख से विपक्षी दल नाराज हैं। संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत आने वाले प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने भी भरी हामी। हरियाणा के अंबाला की शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसान दिल्ली कूच पर आज करेंगे अहम फैसला। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक और किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने की थी 3-लेयर सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू बॉर्डर पर डटे किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सीमा खोलने वाली याचिका हुई खारिज, इस मुद्दे पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। राज्यसभा में गतिरोध खत्म करने के लिए सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई बैठक, सुबह 10:30 बजे सभापति धनखड़ फ्लोर लीडर्स के साथ करेंगे बैठक। लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस सांसदों की अहम बैठक, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में पार्लियामेंट एनेक्सी में सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार को लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक है। एनसीपी एससी प्रमुख शरद पवार की दिल्ली स्थित आवास पर, पुणे के हारे महाविकास अघाड़ी उम्मीदवारों की बैठक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ बंगाल बीजेपी आज करेगी बशीरघाट बॉर्डर पर नाकेबंदी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू संत चिन्मय दास को रिहा करने की दोहराई मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर गर्जी पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी। कोलकाता, बिहार, उड़ीसा पर कब्जे के बांग्लादेशी कट्टरपंथी की धमकी पर बोली, आप कब्जा करने आएंगे तो क्या हम लॉलीपॉप खाते रहेंगे। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। मस्जिद परिसर के वजूखाने में एएसआई सर्वे कराने की याचिका पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2022 में हुए सर्वे के बाद सील है वजूखाना। यूपी के बदायूं में जामा मस्जिद के नीलकंठ महादेव मंदिर होने के दावे पर आज कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष के दावों की पुष्टिता पर कोर्ट करेगा फैसला। यूपी के संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट कमिश्नर ने मांगी 15 दिन की मोहलत। 29 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने की मिली 10 दिन की मोहलत, सोमवार को हुई थी खत्म। कोर्ट कमिश्नर ने खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला। यूपी में फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 2027 चुनाव की तैयारी के मद्देनजर हमने उपचुनाव न लड़ने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को मिली जान से मारने की धमकी, फोन के जरिए मिली धमकी, जांच एजेंसी पुलिस। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। 11 दिसंबर को पदभार संभालेंगे संजय मल्होत्रा। गवर्नर शशिकांत दास की जगह लेंगे संजय मल्होत्रा। यूपी के संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा, आरोपियों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने सोमवार को 13 संदिग्धों के घरों पर दबिश की, 2 तमंचे और कारतूस सहित 93 पुड़िया स्मैक बरामद। संभल हिंसा में अब तक 39 गिरफ्तार। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में महिला कांस्टेबल को मारी गई गोली, आरोपी प्रशिक्षु कांस्टेबल ने खुद को भी मारी गोली। घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती दोनों, बेगू थाने में तैनात थे दोनों कांस्टेबल। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे को बचाने की कोशिश जारी। सोमवार को कालीखान गांव में खेलते समय 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था बच्चा। पाइप के जरिए बच्चे को पहुंचाई जा रही ऑक्सीजन। मुंबई में ब्रेस्ट की बेकाबू बस ने कई लोगों को कुचला, 4 की मौत, 25 जख्मी। घायलों में 4 की हालत नाजुक है। हादसे में कई गाड़ियों को भी नुकसान।